Chef, voy a ayudar. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुमा केसरी कार्य कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोग बहन और भाइयों देश के अंदर आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की हर वर्ष सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस की कमीशन खोरी पर मोदी जी ने लगाम लगाने का काम किया, क्योंकि हर गरीब का जनधन अकाउंट खुल गया। 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुल गया। अब दिल्ली और मुंबई से आने वाला पैसा गरीब के खाते में जाता है, किसान के खाते में जाता है, महिलाओं के खाते में जाता है, उस पर कोई सेंधमारी नहीं कर सकता। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए गए। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का एलपीजी का सिलेंडर पहुंच गया है। 4 करोड़ गरीबों के पीएम आवास बन गए। ये सब कुछ 10 वर्ष में मोदी जी ने किया। क्या किसी का चेहरा देखकर, किसी की जाति देखकर, किसी का मत और मजहब देखकर? नहीं, मोदी जी का एक ही मंत्र था, वह था सबका साथ और सबका विकास। एक तरफ विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोदी जी के मार्गदर्शन में गडकरी जी ने हाईवे का एक लंबा जाल देश के अंदर बना पहना दिया। 1947 से लेकर 2014 तक जितने हाईवे बने थे, 2014 से 2024 के बीच में उसके दुगने हाईवे बन गए देश के अंदर। बहनों और भाइयों, 1947 से पहले से लेकर के 2014 तक जितने एयरपोर्ट थे, केवल 74 एयरपोर्ट थे। आज देश के अंदर 150 एयरपोर्ट हैं। एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। पहले 5 सिटी में मेट्रो चलती थी, आज देश के अंदर 20 सिटी में मेट्रो चल रही है। पहले केवल 7 एम्स थे, आज देश के अंदर 22 एम्स हैं। IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना, ये आज पूरे देश के अंदर हम सबको दिखाई दे रहा है। नए भारत में सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, और इस सबसे बढ़कर के और भी है, वह है आपकी आस्था का सम्मान भी है। आपकी आस्था का सम्मान भी है। कांग्रेस ने 65 वर्षों तक शासन किया ना, किया है ना कांग्रेस ने 65 वर्षों तक देश में शासन। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं कर पाए? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर सकती थी क्या? कर सकती थी क्या? मैं तो आपका अभिनंदन करूंगा कि अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में महाराष्ट्र के यहां के बहादुर नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, गुलामी के ढांचे को हटाने में अपना योगदान दिया, और राम मंदिर निर्माण में भी जितना धन लग रहा था महाराष्ट्र ने कहा हम सहयोग करेंगे, महाराष्ट्र बढ़ चढ़ करके सामने आया। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? जब कोर्ट ने फैसला नहीं किया था, कांग्रेस के लोग कहते थे अगर फैसला हो जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी। जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, मुझसे पूछा गया कि कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, मैंने कहा देखो हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, चिंता मत करो। अयोध्या में राम मंदिर भी बनेगा, और हमने कहा न्यायालय का फैसला आएगा उसका अक्सर सा पालन भी करेंगे, और खून की नदियां बहाने की बात तो दूर, एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, मच्छर भी नहीं मरेगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अयोध्या में
अब तो आप अयोध्या जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि जैसे भगवान राम के समय की अयोध्या फिर से स्थापित हो गई, पूरा नई अयोध्या बना दी गई। अयोध्या में आपने 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम को देखा होगा, मोदी जी के नेतृत्व में कैसे अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हुआ। कांग्रेस के लोग तो एक भी प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं गए, डर लगता था अयोध्या जाने में कहीं वोट बैंक न खिसक जाए। यानी देश की कीमत पर वोट बैंक, भारत की आस्था की कीमत पर वोट बैंक, और ये लोग लगातार आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आज मैं कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र के एक बात और आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में कहा है, बहन और भाइयों, कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो वह अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के हिसाब से खान पान की स्वतंत्रता देंगे। अब मुझे मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी रुचि है मुस्लिम समाज की जो हिंदुओं से अलग है? अरे रोटी वो भी खाते होंगे, चावल वो भी खाते होंगे, ढोकला वो भी खाते होंगे, सब कुछ खाते होंगे, लेकिन उनकी अतिरिक्त इससे अतिरिक्त रुचि क्या है? हिंदू गौ कसी को स्वीकार नहीं कर सकता, गौ मांस नहीं भक्षण करता, लेकिन वह चिढ़ाने केले जरूर करता होगा और इसीलिए उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कांग्रेस देश के अंदर गौ हत्या की खुली छूट देना चाहता है, क्या आप स्वीकार करेंगे? इसको? यानी ये तो महापाप का कारण बनेगा अगर हमारा वोट ऐसे लोगों के लिए जाता है जो गौ हत्यारों को प्रश्रय देते हैं और गौ मांस को देश के अंदर प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। वह हम सब के लिए इससे बड़ा पाप का कारण दूसरा बन ही नहीं सकता। ये पाप आज कांग्रेस करने जा रही है, और दूसरा इसके द्वारा भरमाने के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, भरमाने के क्या प्रयास? कांग्रेस जितना झूठ बोल सकती इस चुनाव में बोल रही है, क्योंकि उसे मालूम है इस चुनाव के बाद कांग्रेस इतिहास की वस्तु बनने वाली है। उसको मालूम है इसके बाद कांग्रेस को देश की जनता जनार्दन पूरी तरह ठुकरा देगी। और उत्तर प्रदेश में तो हमारी विधानसभा में 403 विधायकों का चुनाव होता है जनता के द्वारा। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने कितनी सीट दी मालूम है? दो। यानी राम नाम सत्य है के लिए भी चार लोग चाहिए होते हैं ना, वहां दो ही सीट है, यानी अगली बार छुट्टी। अभी आप देख रहे होंगे कांग्रेस के लोग हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं यूपी में चुनाव लड़ने का, सब भागे भागे फिर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, अब अंतिम उपाय उन्होंने क्या प्रारंभ किया है? अंतिम उनका उपाय वही है कि हिंदू समाज को फिर से बांटो, जाति के नाम पर बांटेंगे, जातीय जनगणना के नाम पर आपको गुमराह करेंगे। 65 वर्षों तक क्या कर रहे थे पूछा जाना चाहिए। फिर